अब अपनी लाइफ का एक मिनट रिवाइंड करो और सोचो जब मैंने ये सवाल पूछा किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा मजा आएगा एनी वन सर नहीं सब रेस में लग गए ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी नहीं सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेंड कहते हैं वेल एजुकेटेड नहीं 1968 में आई थी इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में और 1986 में आई थी इंडिया की दूसरी एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी गवर्नमेंट में जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया था और अब चौतीस साल बाद आई है इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ऑन पेपर ये पॉलिसी एकदम परफेक्ट है खैर इम्प्लीमेंटेशन का तो ओनली टाइम कैन टेल हे एवरीबॉडी मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल आज की इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करेंगे देखिए इंडिया में एजुकेशन की परस्पेक्टिव में लास्ट ग्राउंड ब्रेकिंग चीज जो हुई थी वो थी राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था आर्टिकल ट्वेंटी ए जिससे 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी 6 से 14 साल के बच्चे ये एज ग्रुप याद रखिएगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए ये एज ग्रुप इम्पॉर्टेंट है और इंडिया में कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमें इलेक्शन मैनिफेस्टो से पता चलता है रिजर्वेशन कोटा एफ डिफेंस इन सारी चीज़ों की बातें मैनिफेस्टो में की जाती है पर एजुकेशन की बातें क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एजुकेशन इतना भारी टॉपिक नहीं है पर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है इसके पीछे कोई शियर सडननेस ऑफ द मूव नहीं है चलिए चलते हैं 2014 में 2014 में बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में थी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2015 में जब स्मृति ईरानी एच मिनिस्टर थी तब एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे मिस्टर टी एस आर सुब्रमण्यम इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सेवेंथ मई टू को इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन और इम्प्लीमेंटेशन में जो भी गैप्स है उन्हें एड्रेस करना अक्टूबर 2016 में मिनिस्ट्री ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को रिलीज करके इस पर सजेशंस मंगाए पर इन रिकमेंडेशंस का कुछ हो ना सका इसके बाद फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप में एक और कमेटी बनाई गई जिसमें नौ मेंबर्स थे इस कमेटी ने 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया जो फाइनली पास हुई एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो अगर इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी के तीन सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करें तो पहला एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है दूसरा गवर्नमेंट ने यह प्रपोज किया है कि वो एजुकेशन में अपना जीडीपी इन्वेस्टमेंट 1.6% से इंक्रीज करके एटलीस्ट 6% करेंगे और तीसरा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पे फोकस किया गया है और ये कहा गया है कि 2035 तक इसे 50 परसेंट तक इंक्रीज करेंगे देखिए ये नंबर्स तभी अचीवेबल है जब एग्जिस्टिंग अप्रोच में एक डायनेमिक चेंज इंट्रोड्यूस किया जाए तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच से इस पॉलिसी को बनाया गया है जिसमें अकेडमिक वोकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इक्वल फुटिंग दी गई है और पूरा फोकस ये किया गया है कि बच्चों को जिस एरिया में इंटरेस्ट है उस एरिया में वो अपना स्किल डेवलप कर सके और स्कूल कॉलेज से निकलते साथ वो रियल वर्ल्ड के लिए तैयार तो चलिए जल्दी से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करते हैं तो पहली स्लाइड में हम ये जानेंगे कि स्कूल एजुकेशन के पैटर्न में क्या चेंज किए गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है कि टेन प्लस टू का जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसे फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर के स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन करना तो ये जो नया पैटर्न है ये करस्पॉन्ड करता है तीन से आठ साल को आठ से ग्यारह साल को ग्यारह से चौदह साल को और चौदह से अठारह साल को देखिए इस मूव से प्ले स्कूल एजुकेशन माना जाएगा ऐसा करने से तीन से छह साल के बच्चे भी स्कूल करिकुलम में शामिल होंगे जैसा कि ग्लोबली किया जाता है क्योंकि इस ग्रुप के बच्चों का मेंटल फैकल्टीज का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके बाद सिक्स स्टैंडर्ड से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी ये प्रैक्टिस चाइना में बहुत टाइम से की जा रही थी और अब आप उनके डेवलपमेंट के लेवल को देख ही सकते हैं इसके साथ ही सिक्स स्टैंडर्ड तक मदर टंग में सीखने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा अर्ली फेज ऑफ एजुकेशन में लोकल लैंग्वेज अडॉप्ट करने के लिए यूरोप का एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ मदर टंग के कारण बच्चों को चीजें समझने में एक एडवांटेज मिलता है और बहुत अच्छी बात यह है कि थ्री सिक्सटी डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाई जाएगी जिसमें बच्चों के प्रैक्टिकल करिकुलर, को करिकुलर सब को इक्वल फुटिंग दी जाएगी असंभव किंतु सत्य अब ये देखते हैं कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं तो इस एरिया में एजुकेशन पॉलिसी ने मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई है हॉलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होंगे जिसमें फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा वोकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे और इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी अलाउड होंगे इसका मतलब ये स्ट्रिक्ट डिविजन हुआ करता था वो अब नहीं होगा हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स खुद अपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बना पाएंगे लैंग्वेज में क्या चेंजेस लाए गए हैं कि संस्कृत को हर लेवल ऑफ एजुकेशन में ऑफर किया जाएगा

और इसी के साथ एम डिसकंटिन्यू कर दिया है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर को फॉस्टर करने के लिए द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एज एपिक्स बॉडी सेटअप करेंगे इसी के साथ ही हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एच इसे हायर एजुकेशन के लिए एक डेडिकेटेड और सोल बॉडी जैसे सेटअप किया जाएगा बस इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड किया गया है अब ये देखते हैं कि टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं तो इतने सारे चेंजेस के चलते टीचर्स एजुकेशन के फ्रेमवर्क में भी चेंजेस रिक्वायर्ड थे तो एन से कंसल्ट करके एक न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन

That's it for now. See you in the next class. Bye bye.